यहाँ पे क्यों लाए हो? हम तो अच्छे बच्चे हैं ना? अच्छे? अच्छे ही नहीं, बल्कि बहुत ही बुद्धिमान बच्चे। और तुम सब मेरे काम आओगे। बालवीर का अर्थ करने में। नहीं, बालवीर हमारा सबसे प्यारा दोस्त है। हाँ, वो हमारा बीबी भी है। बालवीर का अंत करने में हम आपकी कभी हेल्प नहीं करेंगे। बेचारे, भोले और मासूम बच्चे, इतने जल्दी भूल गए। ये प्रचंड का साम्राज्य है और यहाँ वही होता है जो प्रचंड का चाहती है और प्रचंड का चाहती है। बालवीर का अंत, बालवीर का अंत, बालवीर, मुझे तुम्हारा अंत करने वाला वो शस्त्र मिल गया है। बस अब वो हाथ चाहिए जो शस्त्र को चलाएंगे और तुम्हारा अंत करके प्रचंडिका के बदले की आग को शांत करेंगे। अभिषेक जैन, पेशेंट की काउंटिंग पूरी हो गई। पानी यहाँ कैसे गिरा? अभी साफ कर देता हूँ। तुम्हारी आजादी जो तुम्हें इस बेकार की जिंदगी से आजाद करने आई है। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, अगर मैं बाहर गया तो वो फिर से मेरी इंसल्ट करेंगे। मैं नहीं जाऊंगा। तभी तुम्हें चाहती हो, तुम मस्तिष्क बाहर जाओ और दिखा दो दुनिया को कि तुम कोई पागल नहीं हो, दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान हो और जिसका बनाया हुआ वो आविष्कार कोई मामूली आविष्कार नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता ऐसा। सब कहते हैं कि मैं पागल हूं, पागल हूं, और मेरा आविष्कार बेकार है, बेकार है मेरा आविष्कार। अगर मैं बाहर जाऊंगा तो दुनिया मुझ पे हंसेगी, हंसेगी मुझ पे। अगर कोई तुम पर हंसेगा तो बाद में वो खुद रोएगा। मैं जानती हूँ मस्तिष्क, तुम्हारे साथ क्या हुआ था और क्यों तुम्हें तुम्हारे बनाए हुए आविष्कार को क्यों बीच में अधूरा छोड़ना पड़ा। दुनिया में सबसे तेज दिमाग इंसान का होता है, लेकिन ये मेरा सुपर कंप्यूटर सोच 100 उससे भी तेज बन सकता है। हर सवाल का जवाब होगा इसके पास, हर मुश्किल का हल होगा इसके पास, लेकिन इसे पूरा करने के लिए मुझे 100 बच्चों के दिमाग की जरूरत होगी। बच्चों का दिमाग चाहिए? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नो, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। बड़ों के दिमाग के मुकाबले बच्चों का दिमाग ज्यादा विकसित नहीं हुआ होता है, इसलिए
उसमें इतनी जगह होती है कि दुनिया की हर स्टैटिस्टिक को फीड करके एक सुपर कंप्यूटर बनाया जा सकता है। जस्ट थिंक, 100 सुपर कंप्यूटर दिमाग मिलाकर एक सोच 100 बनेगा, तो हम दुनिया को कहां से कहां लेके जा सकते हैं। दुनिया को तो पता नहीं वो कहां जाएगी, मगर तुम पागल खाने जरूर जाओगे। नो, मैं पागल नहीं हूं, मैं साइंटिस्ट हूं। साइंटिस्ट? तुम पागल हो, पागल। दिमाग खराब है तुम्हारा, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते तुम, समझे? तुम्हें बच्चों के दिमाग की नहीं, तुम्हें पागलों के डॉक्टर की जरूरत है। आज तक तुमसे बड़ा पागल नहीं देखा। पागल नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। साइंटिस्ट? मुझे तो लगता है कि दुनिया बिल्कुल सही कहती है, तुम सच में पागल हो। कोई महान आविष्कारक नहीं हो, एक ऐसे पागल जो बस बनाना चाहता है, और जिसका बनाया हुआ वो आविष्कार किसी कूड़े के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, नहीं, मेरा आविष्कार कबाड़ और कूड़े का ढेर नहीं था, वो मेरा महान महान सुपर कंप्यूटर था। ऐसा कोई सवाल नहीं जो मेरा सुपर कंप्यूटर सोच उस सवाल का जवाब ना दे सकता हो। कोई भी मुश्किल हो, मेरे सोच के पास उसका हल था। हल था उसका। कैसे मान लो, मुझे तो लगता है कि तुम एक झूठे जो दुनिया को बस बेवकूफ बनाना चाहते। नहीं, मस्तिष्क महान है, महान, और उसका सोच 100 भी महान है। अगर ऐसा है तो चलो चलो मेरे साथ और अपने उस काम को पूरा करो जो तुमने अधूरा छोड़ रखा है। मैं तुम्हारे इस अधूरे सपने को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और उसी के साथ बालवीर का अंत करने का जो मेरा काम अधूरा पड़ा है, उसे भी पूरा कर दूंगी। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन हम दोनों यहां से जाएंगे कैसे? ये सब लोग बाहर कैसे आ गए? चाबी तो मेरे पास है, दरवाजे अपने आप खुल गए। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। लगता है हमें पुलिस की फौरन मदद लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, जब तक पुलिस आएगी तब तक पूरा मेंटल हॉस्पिटल खाली हो जाएगा। तो हम करें क्या? जब तक कि पुलिस आवे, बाल मित्र बालवीर और बाल सखी यहाँ पर आकर सब कुछ ठीक कर देगी। जब तक बालवीर बाल मित्र और बाल सखी आएंगे, तब तक तो मैं मस्तिष्क को लेकर प्रचंड लोक पहुंच चुकी हूँ, जहाँ मस्तिष्क मेरे लिए दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बनाएगा, जो मुझे सबसे मुश्किल सवाल का जवाब देगा कि बालवीर का अंत कैसे किया जा सकता है। प्रचंड विनाश काम है मेरा, चंडे का नाम है मेरा। या अभी तुझे चार्ज करेंगे। हाँ, किया तुझे चार्ज करना है ना?
रुक जा, किया, रुक, चार्ज करने दे, अभी रुक, ऐसे नहीं आएगा, पकड़ता हूँ मैं तुझे, किया, अरे, किया, अरे चार्ज करना है तुझे, किया, रुक, अरे, अरे रुक जा, अरे रुक, अरे, ए, ए, बापूजी, अब किसके साथ ये पकड़न पकड़ी खेल रहे हैं? किया के साथ, क्या? क्या नहीं, किया, ये रोबोट है ना, उसका नाम है किया। अच्छा इसका ये रोबो घर में कैसे आया? बच्चों को स्कूल से गिफ्ट में मिला है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बैटरी डाउन हो गई है और मैं इसे चार्ज करना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझसे दूर भाग रहा है। हाँ, समझ गया बाबूजी। क्या है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद बच्चे कैसे इंजेक्शन का नाम सुन के भागते हैं ना, वैसे ये चार्जिंग का नाम सुन के भाग रहा है। लेकिन बाबूजी मेरे पास एक आइडिया है, मैं इसे यहाँ से पकड़ता हूँ, आप उसे वहां से पकड़िए। ये कुछ करेगा नहीं ना? नहीं कुछ नहीं करेगा। आविष्कार मेरे सोच सौ से दोबारा मिलाया। मिलकर ही खुश हो जाओगे या फिर इसे दोबारा बना भी पाओगे? बनाना तो चाहता हूं लेकिन नहीं हो सकता। हो नहीं सकता या फिर तुम बनाना नहीं चाहते? लगता है पागल खाने में रहकर सच में तुम्हारा दिमाग कमजोर पड़ गया है। भूल गए हो तो तुम्हारी बेइज्जती कैसे हुई थी, कैसे लोगों ने तुम्हें पागल समझा था और तुम्हारे आविष्कार को एक दिल का टिप्पा। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूं। का दिमाग नहीं मिला इस्तेमाल करने के लिए। देखो मैं तुम्हारे लिए इतने सारे बच्चे ले आई, कर लो इनके दिमाग का इस्तेमाल। ये कोई मामूली बच्चे नहीं है, सबके सब तेज बुद्धि वाले बच्चे, सबके सब पढ़ाई में एक नंबर। नहीं, मैं ऐसे बच्चों का दिमाग यूज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं जानती थी तुम फिर से कोई नया बहाना बना के क्योंकि सोच सौ जैसे सुपर कंप्यूटर को बनाना तुम जैसे बेकार आविष्कारक के बस की बात नहीं। नहीं, नहीं। मैं देश के बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकता। मैं बच्चों का दिमाग उनकी मर्जी के बिना यूज नहीं कर सकता। मैं प्रचंदिका, तुमने बहुत गलत काम किया इन बच्चों को यहाँ कैद करके, बहुत गलत किया तुमने। अरे हम तो बस बच्चों के दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर तुम्हें तो कहा था ना
इससे किसी बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता। अबे तुम्हें क्या लगता है? तुम बच्चों के दिमाग को इस्तेमाल करने की आज्ञा मांगोगे और वो तुम्हें अनुमति दे देगी। याद है तुम्हें कई साल पहले तुमने उनसे अनुमति मांगी थी और उन लोगों ने तुम्हें पागल करार कर दिया। बच्चों का दिमाग इस्तेमाल करने का बस यही एक सही तरीका है। नहीं, मैं ऐसे बच्चों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो जाओ और भूल जाओ कि तुम कभी अपना सोच सौ दोबारा बना पाओगे। जाओ, लौट जाओ उस पागल खाने में और हंसने दो दुनिया को किसी पागल की तरह, वरना देखो बच्चे सामने हैं, कर लो इनके दिमाग का इस्तेमाल और साबित कर दो तुम कोई पागल नहीं हो, तुम सच में एक बहुत बड़े आविष्कार हो। बालवीर, बालवीर, तू भी कुछ करो अब। इनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इनसे हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इनको प्यार से काबू में रखना होगा वरना इनकी दिमाग की हालत और भी खराब हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी निशान करता मस्तिष्क दुनिया को दिखा देगा कि उसका दिमाग, उसका सोच सौ, उसका सोच हजार दुनिया में सबसे तेज है, सबसे शक्तिशाली है। तो देर किस बात की, शुरू हो जा। एक बार सोच हजार बन गया तो उसे मैं भी जान जाऊंगी तुम्हें समाप्त करने का तरीका बालवीर। थैंक्स बालवीर, तुम समय पे नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भगदड़ मची कैसे, कैसे ये सारे के सारे एक साथ अपने कमरे से बाहर आ गए? पता नहीं बालवीर, कैसे सारे दरवाजे अपने आप खुल गए, हम में से तो किसी ने खोला भी नहीं था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मैंने सारे पेशेंट्स चेक कर लिए हैं, बट एक पेशेंट मिसिंग है। कौन सा पेशेंट? नंबर 32। 32? वो तो मस्तिष्क का नंबर है। ये मस्तिष्क कौन है? मस्तिष्क एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, पर एक अजीब सी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। सोच सौ, बड़ा अजीब सा तरीका था उसका सोचने का। अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए कुछ इंटेलिजेंट बच्चों के दिमाग का यूज करके वो एक सुपर कंप्यूटर बनाना चाहता था जिसके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब हो। इसकी वजह से उतना जुनूनी हो चुका था कि उसे पागलपन के दौरे पड़ने लग गए थे। तब से वो इसी पागलखाने के एक सेपरेट वार्ड में रखा गया। बालवीर, ये मस्तिष्क और इंटेलिजेंट बच्चों का गायब होना, कहीं ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं है? हाँ, ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। डॉक्टर साहब,
क्या हमें मस्तिष्क के बारे में कुछ और जानकारी मिल सकती है? जरूर मालवीर, हमारे रिकॉर्ड रूम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।